हाँ तो दोस्तों, इंग्लैंड की टीम को आखिरी के 6 गेंदों में चाहिए थे 14 रन, फिर कगिसो रबाडा ने किया चमत्कार। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रिकेट देखो जी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि T20 वर्ल्ड कप का एक और रोमांचक मुकाबला इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया। इस मैच में इंग्लैंड की टीम को आखिरी के 6 गेंदों में 14 रनों की जरूरत थी, फिर कगिसो रबाडा ने अपनी चमत्कारी गेंदबाजी से पूरे मैच को ही पलट दिया। जी हाँ दोस्तों, पूरी हाईलाइट आज की इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी चाहती हो कि आपकी पसंदीदा टीम T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीते तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 1000 लाइक का है, तो दोस्तों अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप का 39वां मुकाबला इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया। यह मुकाबला शारजाह के क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में इंग्लैंड के कप्तान इयान मॉर्गन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर साउथ अफ्रीका की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। जी हां दोस्तों, टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीका की शुरुआत खराब रही। सलामी बल्लेबाज हेंड्रिक्स मात्र 2 रन बनाकर मोइन अली की गेंद पर पवेलियन लौट गए। उसके बाद क्विंटन डीकॉक और वंडर दुसेड ने साउथ अफ्रीका की पारी को संभाला। पावर प्ले के 6 ओवर में साउथ अफ्रीका की टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 40 रन बना लिए थे। उसके बाद इन दोनों ही खिलाड़ियों ने सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका के स्कोर को आगे बढ़ाया। 10 ओवर तक साउथ अफ्रीका की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 73 रन बना चुकी थी। उसके बाद सलामी बल्लेबाज क्विंटन डीकॉक 34 रन बनाकर आदिल रशीद की गेंद पर पवेलियन लौट गए। अब मैदान पर वंडर दुसेन का साथ देने के लिए एडम मार्करम आ चुके थे। इन दोनों ही खिलाड़ियों ने एक बार फिर से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 16 ओवर तक साउथ अफ्रीका की टीम को 2 विकेट के नुकसान पर 139 रनों के पार पहुंचा दिया था। अब अंत में साउथ अफ्रीका की टीम ने 20 ओवर तक यहां पर 2 विकेट के नुकसान पर 189 रन बना लिए थे, जिसमें वंडर दुसेड ने 94 रन बनाकर नाबाद थे, तो वहीं पर एडम मार्करम भी महज 25 गेंदों में 52 रनों की तूफानी पारी खेलकर नाबाद रहे थे। इस तरह से साउथ अफ्रीका की टीम ने 189 रन बना लिए थे। अब दोस्तों 190 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत भी ठीक ठाक रही थी। सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय 20 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ड होकर पवेलियन लौट गए। उसके बाद जॉस बटलर ने भी इंग्लैंड की पारी को संभाला, लेकिन फिर पावर प्ले के आखिरी ओवर में जॉस बटलर भी 26 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 6 ओवर में इंग्लैंड की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 59 रन बना चुकी थी। उसके बाद 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर जॉनी बेयरस्टो भी मात्र 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन फिर मोइन अली ने मैदान पर आती ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दी। 10 ओवर तक इंग्लैंड की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 81 रन बना चुकी थी। उसके बाद 13वीं ओवर की दूसरी गेंद पर मोइन अली भी 37 रन बनाकर कैच आउट हुए। 16 ओवर तक इंग्लैंड की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 144 रन बना चुकी थी। अब आखिरी के 24 गेंदों में इंग्लैंड की टीम को जीत के लिए 40 रनों की जरूरत थी, लेकिन फिर 17वीं ओवर की दूसरी गेंद पर डेविड मलान भी 33 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उसके बाद 18वें ओवर तक इंग्लैंड की टीम 4 विकेट के नुकसान पर 165 रन बना चुकी थी। अभी इंग्लैंड की टीम को जीत के लिए आखिरी के 12 गेंदों में 25 रनों की जरूरत थी, लेकिन 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर लियाम लिविस्टन भी 28 रन बनाकर चलते बने। 19 ओवर तक इंग्लैंड की टीम 176 रन बना चुकी थी। आखिरी के 6 गेंदों में इंग्लैंड की टीम को 14 रनों की जरूरत थी, लेकिन 20वें ओवर में कगिसो रबाडा ने लगातार 3 विकेट लेकर हैट्रिक ले ली और इस तरह से साउथ अफ्रीका की टीम ने इस मुकाबले को 10 रन से जीत लिया। दोस्तों इसी में साउथ अफ्रीका की इस बेहतरीन जीत पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, कॉमेंट करके अपना जवाब जरूर दें। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।